सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप में से लगभग हर किसी ने मूवीज में ऐसे सीन जरूर देखे होंगे जिनमें किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए एक खास तरह की टीम को बुलाया जाता है, और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो उस बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के मेंबर्स एक खास तरह का सूट पहनते हैं जिसे बॉम्ब डिस्पोजल सूट कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स काम कैसे करते हैं और ये किसी भी विस्फोट से किस हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। So without wasting any time, let's begin. बॉम्ब डिस्पोजल सूट को सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर विकसित किया गया था। ये एक बहुत ही खास तरह का बॉडी आर्मर होता है जिसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि अगर कभी किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करते वक्त उस बॉम्ब में अचानक से विस्फोट हो जाए तो ये सूट उस विस्फोट से निकलने वाले प्रेशर और बॉम्ब के टुकड़ों से इंडिविजुअल को सुरक्षा प्रदान करता है। और इस बॉम्ब डिस्पोजल सूट को खास तौर पर हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स पहनते हैं जिन्हें ईओडी यानी कि एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टेक्नीशियंस कहा जाता है। और आज के समय में जिन बॉम्ब सूट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन्हें एडवांस बॉम्ब सूट यानी कि ABS बॉम्ब सूट कहते हैं, और इस ABS बॉम्ब सूट का ज्यादातर इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए EOD टेक्नीशियंस करते हैं। हालांकि बॉम्ब एक्सप्लोजन्स की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए अब इन ABS सूट्स का इस्तेमाल पुलिस और अदर लोकल पीस कीपिंग फोर्सेज द्वारा भी किया जाने लगा है। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर ये सूट काम कैसे करता है। तो ये बॉम्ब सूट किसी भी बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है, और इस सूट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये ऑपरेटर के हाथों को छोड़कर उसके हर एक बॉडी पार्ट को सुरक्षा प्रदान करे, और वो भी चारों तरफ से, क्योंकि जब किसी बॉम्ब में विस्फोट होता है तो उसके टुकड़े चारों तरफ हवा में फैलते हैं। और ये सूट ऑपरेटर के कई बॉडी पार्ट्स को विस्फोट के टुकड़ों से होने वाली कई घातक चोटों से बचाता है, और इसीलिए इन बॉम्ब सूट को ऐसे मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है जो वजन में हल्के होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, जिनमें नॉमेक्स, केवलर, फोम और मल्टीपल प्लास्टिक जैसे कंपोजिट शामिल हैं। और इन बॉम्ब सूट के अंदर इन सभी कंपोजिट मटेरियल्स की लेयर को लगाया जाता है ताकि ये विस्फोट से निकलने वाले टुकड़ों को रोक सके। और जब किसी बॉम्ब में विस्फोट होता है तो उसमें केवल बॉम्ब के टुकड़े ही नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेशर भी जनरेट होता है, और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये किसी भी ऑपरेटर के ईयर ड्रम और लंग्स को डैमेज कर सकता है। और इसीलिए इस प्रेशर का सामना करने के लिए बॉम्ब सूट में एक खास तरह के रिजिड बैलिस्टिक पैनल को लगाया जाता है जिसे खास तौर पर चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है ताकि ये बॉम्ब से निकलने वाले हाई प्रेशर को झेल सके। और चूंकि इन बॉम्ब सूट को खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि ये किसी बॉम्ब के विस्फोट को झेल सके, और इसीलिए इन बॉम्ब सूट की लेयर भी बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, और लेयर जितनी ज्यादा मोटी होगी ये सूट के अंदर उतनी ज्यादा हीट जनरेट करेगी, और इसीलिए ऑपरेटर को इस हीट से बचाने के लिए इसमें एक कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ये जानते हैं कि ये बॉम्ब सूट कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन बॉम्ब सूट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये ऑपरेटर के हाथों को छोड़कर उसके बॉडी के लगभग हर एक पार्ट को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इस सूट के साथ हाथों में पहनने के लिए ऑपरेटर को ग्लव्स दिए जाते हैं। हालांकि उन ग्लव्स की लेयर इतनी ज्यादा मोटी नहीं होती है कि अगर कोई विस्फोट हो जाए तो वे ऑपरेटर के हाथों को बचा ले, लेकिन फिर भी इन बॉम्ब सूट की इफेक्टिवनेस इस बात पर निर्भर करती है कि बॉम्ब कितने साइज का है। यानी कि अगर कोई ज्यादा बड़े साइज का बॉम्ब है तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ये बॉम्ब सूट ऑपरेटर को सुरक्षित कर लेगा। हाँ, अगर किसी बॉम्ब का साइज 1 किलोग्राम या उससे कम है तो ये सूट ऑपरेटर को सुरक्षित कर सकता है, लेकिन अगर ये 1 किलोग्राम का बॉम्ब भी ऑपरेटर के पास फट जाता है तो भले ही ये बॉडी सूट ऑपरेटर के अदर बॉडी पार्ट्स को तो सुरक्षित कर लेगा लेकिन इससे ऑपरेटर के हाथों को बहुत ही घातक चोटें पहुँच सकती हैं, क्योंकि सूट में हाथों के लिए इस तरह की कोई खास प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।